तो यार आ चुके हो निबुडो के साथ वापस। अब देखो यार ये वाले मैच मेरे हो जाते हैं बिल्कुल रिकॉर्ड किल, जो कि मेरे ऑल टाइम में सबसे हाईएस्ट किल है। अब वो कितने हुए वो तो आपको आखिर में पता चलेगा, लेकिन जिस कंटेनर पे हम उतरे हैं वहाँ पे एक टीम उतर चुकी है और मेरा टीम उनके साथ भिड़ने के लिए चला गया है वहाँ पे। और हमारी किस्मत देखो यार, आई मीन मेरी किस्मत देखो, मेरे को एक भी गन नहीं मिलती इस फेयर हाउस में, और मेरे को लगा कि भाई अब तो मैं मारा जाने वाला हूँ। लेकिन इतने में पीछे एक फाइट हुई जिसको कि मेरा टीममेट जीत गया, और भाई जितनी खुशी हुई ना, क्योंकि उसने जिसको मारा था उसके पास एक केम थी भाई, उसने मेरे को बताया। और भाई जैसे मैंने एक केम उठाई, अब देखो भाई किल की बौछार होने वाली। लेकिन इतने में मेरा टीममेट मेरे को बोलता है कि भाई यहाँ पे जो है कहीं पे दो बंदे छिपे हुए हैं जिनके पास कोई भी गन नहीं है। खैर यहाँ पे बुरी तरीके से जो है एमो को वेस्ट करने के बाद अब मैंने सोचा कि भाई शॉटगन से मारूंगा। और अब देखो जरा भाई, ओवर एक्टिंग बाद में करना है, लेकिन पहले मैंने इसको मार दिया। मुझे लगा कि ये बहुत बुरा आदमी है, लेकिन जैसे मैंने ऑल पे किया माइक, भाई सुनो। हेलो क्या बोल, नहीं मार तो ऐसे टाइम पास के लिए खेल रहा हूँ भाई। ये बंदा उतना भी बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। खैर अब बारी थी इसके टीममेट की ओर, देखो यहाँ पे जो है अब एकदम स्पीड लगने वाली है किल्स की, क्योंकि इन दोनों को मारने के बाद थोड़ा सा टाइम वेट जरूर किया, लेकिन अब बारी है बाकी बंदों की जो कि उतरे हुए हैं जोर्जो पुल में। एमओ कम थी मेरे पास एक एम की, जो कि मेरे को यहाँ से मिल गई, और सबसे पहले भरूंगा इसको भाई। और कुछ भी हो सबसे पहले तो यार अच्छी गन मिल जाए, उसके बाद तो मार ही देंगे किसी को भी। दैट्स व्हाई मैंने इस बोट को मार दिया, और इसके पास क्योंकि स्कारल होती है तो भाई जो कि मेरे को चाहिए रहती है बहुत, और सबसे बेस्ट आयरन सारी लगती है मेरे को स्कारल की एक गेम के बाद। लेकिन भाई बहुत अच्छी है, मतलब आर पार सब कुछ सही सही दिखता है। अब आते इस वाली जगह पे, और यार यहाँ पे कति दंगे हो रखे होते हैं। एक अकेला बंदा यहाँ पे दो दो टीमों को ले लेता है, और अब बारी है उस अकेले बंदे की। इस बंदे की बात नहीं कर रहा, ये था बॉट, लेकिन वो जो अकेला बंदा था भाई काफ़ी स्मार्ट था। देखो जस्ट यहाँ पे मैंने उसको डैमेज किया, लेकिन वो टायर के पीछे छुप गया, ये बड़े बड़े कंटेनर्स जो थे। अब बारी थी, मैंने उस तरफ से सोचा कि एंगल लेके मारूंगा, लेकिन अब देखो क्या होता है यहाँ पे। पीछे से भाई इसके बंदे ने कवर फायर बहुत अच्छा दिया, लेकिन मेरा टीममेट भी भाई जिंदा था, उसने भी कवर फायर को काट दिया। लेकिन एक बंदा इस तरफ भी होता है, तो मैंने टीममेट को बोलता हूँ भाई मेरे पीछे आ, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही रिस्क ले रहा हूँ, हो सकता है मैं मारा जाऊँ। लेकिन भाई हाई किल करने थे, दैट्स व्हाई घुस गया सीधा ही। इसको तुरंत बेचारे को फिनिश करना पड़ा यार, क्योंकि मेरे को मेट्स चाहिए थी यहाँ पे, और उस बंदे को भी मारना था जिसके टीममेट को मैंने अभी भी मारा था, क्योंकि उसका दूसरा बंदा जिंदा है, और वो जो नॉक किया था मैंने उसको मेरा टीममेट जो है किल कर देता। अब बारी थी उस बंदे की, और मेरा टीममेट बोलता कि भाई यहाँ पे छुपा हुआ है, थोड़ा ध्यान से आना। तो मैं बोलता हूँ ठीक है तुम आगे जाओ, तो मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, जस्ट रुको। अब मेरा टीममेट आगे तो जाता है, लेकिन उस पर अटैक हो जाता है, और अब देखो उसके अटैक को मैंने अपने अटैक के साथ काट दिया। और अब देखो उस बंदे को कैसे रश करके मार दे उसको, जस्ट यहीं पर बैठा होता वो बंदा। और यार यहाँ पे इस बंदे को तो इजीली मार दे, लेकिन जब मैंने किल पे नज़र डाली तो भाई मेरे 8 किल हो चुके थे, और इतनी जल्दी 8 किल, मतलब कुछ तो संकेत दे रहा था कि भाई इस मैच में तुम्हारे किल कुछ ज़्यादा ही होने वाले हैं। तो इसकी मैंने ट्राई भी करी, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने अपने टीम मेट को बोला कि भाई गाड़ी लेके आओ, और जोजो पुल में ये गाड़ी जस्ट लगी हुई थी, तो इसी में बैठ के हम सीधा चले जाते हैं। और इस बार हमने सोचा था कि भाई विदाउट ड्रॉप लूटे, सीधा जो भी बंदा दिखेगा जस्ट हम घुस जाएंगे और मारेंगे उसको। रोजोक से गुजरे, और यहाँ पे कुछ बंदे स्पॉट होते हैं मेरे को जो कि जस्ट लेफ्ट में। अब जैसे स्पॉट हुए तो देखो क्या होता है यहाँ पे, ये जो बंदे रहते हैं ये आपस में लड़ रहे थे, एक बंदे ने 1v2 कर दिया था भाई, उसी से बहुत सही बंदा था भाई ये। लेकिन ये जो घरों की ये जो दीवार सी है ना, ये मेरे को फांदने ही नहीं देती, और इतनी देर में उस बंदे ने 1v2 करके उनको फिनिश भी कर दिया। आप देखते कैसे मारते उसको, यहाँ पे जब भी आप किसी पे टीपीपी के खिलाफ रश करो तो भाई अपनी स्पीड इतनी तेज़ रखो कि सामने वाला आपको देख ना पाए। यही हुआ यहाँ पे भी, मैं इतनी तेज़ भागा और जस्ट उछल गया, और उसको पता भी नहीं चला कि कब मैं उसके पीछे आ गया, मार दिया मैंने उसको। उसके बाद इसका जो टीममेट रहता है वो नीचे से मॉली फेंकता है, अब क्योंकि वो अकेला था तो भाई अकेली जान क्या ही करेगी यहाँ पे। तो मैंने तो सोच लिया था भाई सीधा उस पर रश करके मारूंगा, लेकिन ऊपर से भी फायर आ रहा था, मतलब पीछे भी एक टीम थी। लेकिन इस बीच इस बंदे को तो मारना ही था कुछ भी करके, क्योंकि ये हमारे बहुत क्लोज था, और इस पर हम रश भी करते हैं, और अब देखो कैसे पलता है ये बंदा, जस्ट देखो आप फिनिश हुआ, मतलब ये उसी का टीममेट था। अब बारी थी ऊपर वाले बंदों की,
और ये भाई साहब रहते भाई शाही परिवार से, क्योंकि रोड क्रॉस करने के लिए इसने बंदे ने इतनी दूर से बाइक लाया और फिर जाके रोड क्रॉस करी हमको मारने के लिए आया। खैर अब ये आ गया, तो अब देखो कैसे भरते इस बंदे को। अब ये जो है इस जगह पे टीपीपी ले रहा था और इसके खिलाफ जो है काफ़ी सही एंगल था हमारे पास। मैं अपनी टीममेट को बोलता हूँ कि भाई तुम बैक टू बैक वहाँ पे फुटस्टेप जनरेट करो, मैं नेट फेंकूँगा और वो मर जाएगा। वैसा नहीं हुआ, लेकिन अब देखो जितनी जल्दी बंदा उछल के आया उतनी जल्दी वापस भी गया। और इसी बीच मेरे को एक बॉट भी दिखा जिसको मारने की आपके सामने मैंने ट्राई करी इस कारण से, लेकिन वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन अब मेरा ध्यान था यार सड़क पार वाले इसके रियल बंदे पे, जिसको मैंने अभी भी नॉक किया था। लेकिन इससे पहले दिखता वही बॉट। अब जब दिख ही रहा तो भाई हम उसको क्यों छोड़े, उसको तो मार दिया। अब मैं अपने टीममेट से पूछता हूँ कि भाई कहाँ पे, तो मेरा टीममेट बोलता है शायद ब्रोकन वॉल पे या घर के अंदर हो सकता है। तो दैट्स व्हाई मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई तू एक काम कर, तू आगे जा, क्योंकि तू मरा भी तो मैं तेरे को बचा लूंगा और यहाँ पे होता भी वैसे ही। लेकिन मैं अपने टीममेट को यहाँ पे मरने नहीं देता भाई, मारते हैं इस बंदे को और इसकी लूट भी ले लेते हैं और जल्दी जल्दी निकलना होगा क्योंकि हाई किल करने। और इसी बीच आती है यहाँ पे एक गाड़ी जो कि मेरा टीममेट सपोर्ट करता है, मगर उससे पहले दिखता है मेरे को ये बोट जो कि अपने दूसरे बोट को जिसको कि मैंने मारा था इसी जगह पे उसका बदला लेने, मतलब बोट के भी यहाँ टीममेट होते हैं। खैर अब बारी उस गाड़ी की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो यहाँ से गुजरती है और मेरा टीममेट उसको सपोर्ट करके मारने की ट्राई करता है, लेकिन वो बच जाती है। अगर यहाँ पे मेरे टीममेट ने उसको अच्छा खासा डैमेज दिया जिसकी वजह से आगे पक्का रुकेंगे उनको, क्योंकि गाड़ी भी चेंज करना रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सोचा यार क्यों ना हम भी उनका पीछे करें, और हमारी गाड़ी क्योंकि यहीं पे लगी थी तो मैंने अपने टीममेट को भेजा भाई जा तू गाड़ी लेके आ। लेकिन इतनी देर में जो है एक बहुत ही खतरनाक बंदा कैम्प करके बैठा रहता है जस्ट मेरे टीममेट को मारने के लिए, और वो कहीं ना कहीं सक्सेस भी होने लगता है। खैर मजाक कर रहा था, ये जस्ट एक बोट था यहाँ पे, लेकिन ये जो बोट था एक तो मैंने मार दिया और दूसरा बोट जो वहाँ पे मेरे को दिखा उसको मैंने नहीं मारा, उसको मैंने अपने टीममेट को दे दिया। अब आते हैं यहाँ पे, गाड़ी में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं था, मैंने सोचा यार फ्यूल ले लेते हैं, फ्यूल मिलता भी है लेकिन उसके साथ मिलते हैं दो बंदे। एक को नॉक कर दिया मैंने बारी दूसरे की, पर उससे पहले यार मैंने पीछे वाले को भर के रख दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं है फ्यूचर का, मैं मारा भी जा सकता हूँ। लेकिन फिलहाल तो उस चीज़ की नौबत नहीं आने वाली, काफ़ी इजीली मार दिया ये वाली टीम को। एक बंदा दूसरी बिल्डिंग में, दूसरा बंदा दूसरी बिल्डिंग में, भाई क्या कर रही थी ये टीम कुछ नहीं पता। लेकिन जो फ्यूल था वो हमको मिल जाता है यहाँ पे, अब इतना स्पेस नहीं था कि भाई फ्यूल रख पाएँ, तो भाई वो मेरे टीममेट ने रख लिया और उसकी एमओ जो है वो मैंने रख ली। अब ये चीज़ आपको दिखी होगी जस्ट ग्लिच के कारण मेरे को वो जो स्क्वाड है वो रेंडर नहीं हुआ और उसके अंदर जो दो बंदे हैं वो रेंडर हो गए, जिस चीज़ ने भी देखा भाई कमेंट में बताना। और इसी से हमको पता चलता है कि भाई स्क्वाड उसमें भी बंदे हैं और हम चले जाते हैं सीधा वहीं पर। अब उससे पहले कि सीधा जाएं भाई वो बंदे कुछ ज़्यादा ही, मतलब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक स्प्रे कर रहे थे। यहाँ तक तो ठीक था, कोई भी कर देता है, लेकिन अब जो उन्होंने स्प्रे किया ना, सबसे पहले तो उन्होंने टायर फोड़ दिया। टायर फोड़ने के बाद भाई गाड़ी की ऐसी हालत कर दी कि भाई गाड़ी हिलने लायक नहीं रही। लेकिन बदला तो हम भी लेंगे भाई उनसे, उन्होंने जो जस्ट गाड़ी को डैमेज किया लेकिन हम उनको पूरा डैमेज करने वाले हैं यहाँ पे। मेरी एक बुलेट लगी लेकिन वो भी काफ़ी है यार इतनी दूर से। अब जब मैंने ध्यान से देखा तो भाई वो बंदा उछलने लग जाता है, मतलब ये क्या बात हुई, पहले गाड़ी को डैमेज किया उसके बाद जो है वो मीटअप कर रहा है। तो यहाँ पे मैं जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्क में, क्योंकि मैंने 17 किल कर डाले थे भाई, मुझको विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई वो टीम अप वाले हैं। तो विश्वास करने के लिए अब कुछ तो करना पड़ेगा, वो ओपन में नहीं आ रहे थे तो हमको जाना पड़ा। विश्वास करके आया मैं फटी हुई गाड़ी लेके, अगर वो मार देते तो भाई पूरा फिनिश हो जाता वहाँ पे। लेकिन वो टीम अप वाले निकले सच में और उन्होंने हमको छोड़ दिया, दूसरी गाड़ी चेंज करी आई ये वाली जगह पे, यहाँ पे भी रहते हैं बंदे। अब सेम सीन होता है यहाँ पे, मैंने सोचा कि मार दूंगा इजीली, जिसके लिए मेरे को नेट फेंकना था, नेट वेट जैसे मैंने खींचा फेंका और ये भाई साहब उछलने लग जाते इतनी देर में। दूसरा टीममेट पता नहीं कहाँ छुपा था, लेकिन ये बंदे भी टीमों वाले थे। दैट्स वाई जो है अब दो टीमें हो चुकी थी टीमों वाली और मेरे को भाई किल करने थे बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई उनको छोड़ के आ जाते ये वाली जगह पे। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं गाड़ी स्विच कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को किल करने थे, गाड़ी दिखती है सामने। तो अपने टीममेट को बोलता भाई तो पीछे लगा मैं फायर करूँगा, और जस्ट अब देखो क्या सीन होते हैं यहाँ पे। एक बंदे को पूरे फिनिश कर दिया और दूसरे बंदे को नॉक करने के बाद जो उसका टीममेट उसको रिवाइव करेगा बारी थी उसको किल करने की। लेकिन यहाँ पे मेरे पास इतनी हेल्थ नहीं थी कि मैं उस पर रश कर सकूँ, मैंने टीममेट को बोल दिया कि भाई तू जा रश कर, हो सके तो मार देना, लेकिन वो उल्टा डैमेज खा के बैठ जाता है।
और यार यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको हमेशा सिखाई कि भाई गोली जो है पैसों की नहीं मिलती, इसलिए बिल्कुल अंधी फायर करो। और इतने में आती है गाड़ी, गाड़ी आई तो थोड़ी डिस्टेंस में रुकी हो ताकि यहाँ पे एकदम से फाइट ना हो जाए। और ऐसा इसलिए किया उन्होंने क्योंकि ये भी टीम अप वाले थे यहाँ पे। अब इनसे बातें करने के चक्कर में मेरे को दो बंदे स्पॉट होते हैं। वैसे हुआ तो एक ही बंदा, लेकिन इसका टीममेट भी होगा वहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ उसको मारने के लिए। पहले तो वो उस पेड़ के पीछे चला जाता है, उसके बाद आया ही नहीं वो, शायद वो चुपके चुपके इन टीमअप वालों को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन मैंने ऐसा पॉसिबल नहीं होने दिया। अब मैं टीममेट को बुलाता हूँ, भाई गाड़ी लेके आ, हम रश करेंगे। इसका दूसरा टीममेट भी हो सकता है, लेकिन भाई किल तो करने हैं ना भाई, मतलब हाईएस्ट किल करने हैं भाई। और यार यही हमारा मकसद है यहाँ पे, इन दोनों की लोकेशन जानना। सबसे पहले तो एक बात याद रखना, दोनों के पास ग्रोजा है, इसलिए बिल्कुल क्लोज रेंज में तो जाना ही नहीं, दूर से मारेंगे। लेकिन जो पहले ग्रोजा वाला था जो कि हमारे बिल्कुल क्लोज था, उसकी मत्थी फिर जाती है, क्यों वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे मैंने सोचा कि इस पर ग्रेनेड फेंक दे, काफ़ी सारे मेरे पे, नीचे वाले पेड़ पर था वो जहाँ से उसने मेरे पे फायर किया, उसकी गाड़ी भी वहीं पर लगी हुई थी। पहला ग्रेनेड फटा, उसको डैमेज नहीं हुआ और वो डर के भाग गया। जहाँ पे मैंने उसको नॉक कर दिया, और अब देखो जो दूसरा टीममेट उस पेड़ पे आया था उस बंदे को भी मार दिया काफ़ी इजीली। और ये टीम जो है हमने मार दी। अब यहाँ पे जो सबसे पहले तो उसकी ग्रोजा में भाई उठा लेते हो, क्योंकि दूसरे किसी के हाथ लग गई तो भाई वो हमारी जो है ऐसी तैसी कर देगा। और एक और टीम वाला मिलता है जिसको कि हम भाई बहुत ही सेफ जगह पे लेके आते हैं, इस बात के लिए सब्सक्राइब तो बनता है भाई, क्योंकि ये जो दो टीम वाले थे इनके रक्षण में हम इसको छोड़ जाते हैं और बोलते कि भाई इस बंदे का ख्याल रखना भाई, मतलब मरना नहीं चाहिए। ये ना हो कि हमारे जाने के बाद तुम आधा आधा किल बटोर लो उसका, मतलब आधा मैं आधा करके। अब उसके बाद थोड़ी ही आगे जाने के बाद एक बंदा कुचला जाता है हमारी गाड़ी के नीचे, कत्ते सलमान खान बन गया था यहाँ पे मैं। और भाई ये गिली सूट वाला तो काफ़ी इजीली मारे गए, क्योंकि मेरे हाथ में ग्रोजा थी जो कि इनके हाथ में होती तो भाई सेम हाल हमारा होता, हम भी काफ़ी इजीली मारे जाते और आपको पता भी नहीं चलता। फिलहाल आते ये वाली जगह पे किल चाहिए थे बहुत ज़्यादा। इतनी देर में देखते हैं गाड़ी जहाँ से इजेक्ट होते हैं दो पायलट। इजेक्शन तो उन्होंने सेव कर दिया था, लेकिन अब बारी थी उनको मारने की और एक बंदे की मत्थी फिर जाती है जो ग्रोजा के आया भाई, मतलब ग्रोजा के आगे उसको पता है मैंने ग्रोजा चलाई उस पर, फिर भी वो इतनी ओपन में टीवी भी लेके मेरे को मारने के लिए आ रहा है। बारी है इसके दूसरे बंदे की जो कि समझदार था, लेकिन समझदारी काम नहीं देगी अगर आपके एक बंदे ने बेवकूफ़ी कर दी हो। और यार कब तक बच पाता ये बंदा, क्योंकि मरना तो था इसको भी, इसका एक टीममेट जो है ऑलरेडी नॉक हो चुका था, इसके बचने के यहाँ पे जीरो चांसेस थे, क्योंकि हम दोनों ही थे और दोनों के हाथ में ग्रोजा थी ओबियसली यार, मतलब बीस्ट गन। अब मेरे टीममेट को यहाँ पे एक गाड़ी दिखती है जो कि उछल रहे हैं बीच एकदम उसमें, और ये कोई दूसरी टीम है। यहाँ पे मैं भी देखता हूँ तो हाँ भाई एक बंदा दिखता है मेरे को, लेकिन दूसरा नहीं दिखता। तो हम जाते हैं उनको पिक करने के लिए, और यहाँ पे भी एक रिस्क था कि वो धोखा ना दे दे, बट फिर भी तुम्हारा भाई रिस्क लेता है और उनको ले आते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा मतलब अपना सेंटर है, यहाँ पे हम मतलब जो है टीमों वालों को छोड़ के जाते हैं। अब वहाँ पे पांच बंदे हो चुके थे, एक और बंदा बचा हुआ था, क्योंकि पांच वो दो हम सात और एक और बंदा आठ, वो यहाँ पे मिलता और वो भी टीम वाला। उससे पहले कि उसको मैं मारता, लेकिन ये बंदा भी टीमों वाला निकलता है, और भाई ये टीमों वाला कुछ ज़्यादा ही सुस्त था, क्योंकि ये कुछ बोल भी नहीं रहा था ऑल पे, भाई के अलावा इसने और कुछ नहीं बोला, सिर्फ भाई कह रहा है। इसको भी ले आते अपने सेंटर में जहाँ पे ऑलरेडी इसके जैसे बहुत सारे लोग थे। और यहाँ पे अब मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट, और ये जो भाई भाई कर रहा है ये वही बंदा है, ये सिर्फ भाई के अलावा कुछ और नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके लिए सबसे पहले तो मेरे टीममेट का मरना जरूरी था, क्योंकि इसके अगर मैं नहीं मारता तो फिर चीटिंग होती। तो सबसे पहले मैं उसको बता के उसको किल कर देता हूँ, और इसमें वो बिल्कुल लैग नहीं था, दैट्स व्हाई उसको किल किया। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या था कि भाई मैं एक ग्रेनेड आसमान में फेंकूंगा, वो किसी के भी सर पे गिर सकता है, लेकिन अगर वो मेरे सर पे गिर गया तो मैं मर जाऊँगा, तुम लोग बच जाओगे, लेकिन अगर वो तुम्हारे सर पे गिरा तो तुम लोग मर जाओगे और मैं बच जाऊंगा, और जो भी बचा तो वो एक दूसरे को मार सकता है। और यार मतलब कोई भी नहीं बच पाया यहाँ पे। तो बस यार यही था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा, मज़ा आया होगा पूरे गेम प्ले में। मैंने कुछ ज़्यादा ही अटैक करा इस वाले गेम प्ले में, और उसका एक परिणाम भी निकला कि भाई इतने हाई किल कर पाया मैं, जो कि शायद मैंने इस सीज़न में नहीं करे थे, और इस सीज़न ही पिछले दो तीन सीज़न में मैंने 32 किल तक टच नहीं किया था, लेकिन इस बार कर दिया। तो होप आपको पूरा मज़ा आया होगा, एंड अगर आपको पूरा मज़ा आया तो भाई हमको भी मतलब थोड़ा सपोर्ट तो बनता है यार। दैट्स वाई जो इस चैनल की परंपरा आपको याद दिला दे, तो भाई जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब का वो लाल बटन नहीं दबाया तो एक बार जस्ट नीचे देखो और देख के बताओ कि सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर किया है तो बहुत अच्छा है, जस्ट लाइक कर दो या कुछ भी आप कर सकते हो, आपका आपकी मर्ज़ी है। बट अगर नहीं किया आपने सब्सक्राइब तो जस्ट उस लाल बटन पर टैप करो यार,
एंड ऑब्वियसली इस चैनल की परंपरा है, बस उसको दबा के चले जाओ यहाँ से। एंड अगर तो आपको ज्ञानी बनना है तो भाई इसके लिए कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे अपना ज्ञान बांटो, दूसरों तक भी पहुँचाओ, एंड तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि भाई कर लो यार भाई, मतलब कर ही लो भाई, मेरे को भी चाहिए फॉलोअर। एंड मैं मिलता हूँ कैसे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड।